हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बताएंगे कॉर्नफ्लोर क्या है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं अभी कि कॉर्नफ्लोर क्या है, कहाँ मिलता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से कौन कौन सी रेसिपी में किया जाता है। तो हम सारे ही आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो कॉर्नफ्लोर इस तरह के डब्बे में आता है और इसका इस्तेमाल सूप, केक वगैरह में किया जाता है। इसमें रेसिपी वगैरह को, जैसे हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए भी किया जाता है और ग्रेवी को गाढ़ा करने भी किया जाता है। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल चाइनीज डिशेस में किया जाता है और ये इस तरह का पाउडर होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कॉर्नफ्लोर मक्के का आटा है क्या? नहीं, ये मक्के का आटा नहीं है और ये इस तरह का सफ़ेद पाउडर होता है और ये मैदे की तरह दिखता है। और इसे बनाते तो मक्के की ही दाने से हैं पर ये मक्के का आटा नहीं है। और मक्के का आटा इस तरह का होता है, इसका कलर अलग होता है। और कॉर्नफ्लोर को आप इस तरह से हाथों में लेंगे तो ये चिपक जाएगा और एकदम जिस तरह से बेबी पाउडर वगैरह होता है इसी तरह का ये एकदम फाइन पाउडर होता है। इसका इस्तेमाल डिश को क्रिस्पी बनाने में किया जाता है। और इस तरह का जो पैकेट रहता है मार्केट में मिलता है कॉर्नफ्लोर का, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सूप, केक, पुडिंग, ग्रेवी और बैटर वगैरह के लिए किया जाता है और बेबी फूड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। तो इसका इस्तेमाल आप कोई भी डिशेस वगैरह में करेंगे तो इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो उससे फ्लेवर में या टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये मक्के का आटा है, तो ये मक्के का आटा बिल्कुल भी नहीं है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर इसे कॉर्नफ्लोर बोलते हैं और कहीं पर इसे कॉर्न स्टार्च बोलते हैं और दोनों एक ही चीज़ है। तो इसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, जो मक्के के दाने रहते हैं इससे जो छिलके हैं वो अलग किए जाते हैं और जो अंदर वाला जो पार्ट रहता है उससे इसे अच्छे से पीसने के अलग करने के बाद फिर इसे पीसा जाता है और बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसके बाद हमें इसके स्टार्च से हमें कॉर्नफ्लोर मिलता है और इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है अलग करके। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसकी प्रोसेस जिस तरह से गेहूँ से मैदा बनाया जाता है लगभग वही वाली होती है। तो इसे बहुत ही अलग तरह से और थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बनाने में, तो ये तरह से बनाया जाता है। तो इस सारी प्रोसेस के बाद इस सफ़ेद रंग का पाउडर हमें मिल जाता है जिसे हम कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च के नाम से जानते हैं। और आटा वगैरह में ग्लूटेन होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो जिसे कोई एलर्जी वगैरह है तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको, वैसे तो ये मार्केट वगैरह सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है, यदि आपको ये मार्केट में नहीं मिलता तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हम पनीर चिल्ली वगैरह बनाते हैं तो पनीर को यहाँ पर इसकी कोटिंग करते हैं और इससे कुकीज़ वगैरह, केक वगैरह और आइसक्रीम ये सब बनाए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल ग्रेवी को गाढ़ा करने में भी किया जाता है। तो अलग अलग डिशेज में अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल होता है और इसकी जगह हम मक्के के आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, हमने यहाँ पर आंवला कैंडी बनाई थी तो इसमें हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था। तो कॉर्नफ्लोर हमने यहाँ पर एक चम्मच लिया था और इसे घोल कर इसमें डाल दिया था। तो जो हमने आंवला कैंडी बनाई है तो ये जो हमारा पेस्ट है तो इसकी बाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो हम बाइंडिंग के लिए भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कॉर्नफ्लोर क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और ये कहाँ से मिलता है। तो इस तरह से आपके सारे सवालों का जवाब हमने यहाँ पर दे दिया है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि कॉर्न मील और कॉर्नफ्लोर एक ही है क्या? नहीं, कॉर्न मील मक्के का आटा है और कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च दोनों एक ही हैं। मक्के का आटा कॉर्न मील के नाम से जाना जाता है और जो दाने होते हैं उन्हें कॉर्न बोलते हैं। तो मक्के का आटा
पीले रंग का होता है इस तरह का, और इसे आप हाथ में लेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा आपको लगेगा। कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च दोनों एक ही हैं, और कॉर्न मील मक्के का आटा है जिसका इस्तेमाल हम रोटी वगैरह बनाने में करते हैं, और मक्के का आटा इस तरह का होता है। मक्के के आटे की भी बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती हैं, मक्के के आटे से रोटी वगैरह बनाई जाती हैं जो हमने हमारे चैनल पर शेयर की हैं, तो आप देख सकते हैं। और मक्के का आटा इस तरह का होता है। जिस रेसिपी में हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम मक्के के आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है हमारी जो भी रेसिपी वगैरह होती है उसको क्रिस्पी बनाते हैं या फिर वाइंडिंग के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम मक्के के आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मक्के का आटा थोड़ा सा मोटा होता है और वो अलग तरह से बनाया जाता है, और जो हमारा कॉर्नफ्लोर था वो कॉर्न के स्टार्च से हमें मिलता है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और बहुत से लोग बोलते हैं कि इस रेसिपी क्या हम मक्के के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी नहीं। आप सभी के कमेंट्स को हमने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं अरारूट क्या है। अरारूट एक पौधे की जड़ यानी कि रूट से बनता है, और ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, और इसका इस्तेमाल हम डिशेज वगैरह में करते हैं, और इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, और ये बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है, तो बेबी फूड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो बीमार व्यक्ति रहते हैं उनको भी इसी तरह के इस पाउडर वगैरह इससे तैयार किए जाते हैं, और ये कुछ इस तरह का पाउडर होता है, और इसे हम व्रत में भी ले सकते हैं क्योंकि ये पौधे की जड़ यानी कि रूट से बनाया जाता है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि अरारूट, मक्के का आटा और कॉर्नफ्लोर सारे ही अलग अलग हैं, और आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई कोई डिश में। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जब भी कॉर्नफ्लोर या अरारूट खरीदेंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगी, और जिससे आपकी डिशेज वगैरह परफेक्ट बनेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। तो आप एक बार चेक कर लें कि आप अरारूट ही खरीद रहे हैं या आपको सफ़ेद रंग का कोई अलग तरह का पाउडर दे दिया गया है, और इसे आप ड्राई जगह पर रखें और इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से करें। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।